हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। और हम लोग लेके आए हैं टीवीएस की रेडर 125। एक अटैम्प में करिए, दूसरे अटैम्प में मत करिए, इस वाले में कर लीजिएगा आप। हाँ, एक वीडियो बना लीजिए अच्छे से यार, क्या पता इसका नेक्स्ट अटैम्प करिए, बात मानिए। चलिए कर लेते हैं। ये फायदा रहेगा कि इसी डायरेक्शन में विंड ब्लास्ट में क्या हो रहा है, स्लिप स्विमिंग करके और बिना स्लिप स्विमिंग भी करके आ रहा है, दोनों पता चल जाएगा। तो चलिए, तो हम लोग रेस करने वाले हैं। कि भाई आप लोगों को कुछ आज यूनिक बात बताने वाला हूँ। देखिए, ये वाली जो रेडर है, रेड वाली, इसमें खास बात ये है कि इसमें जो इंजन ऑयल डलवाते हैं, इनका जो ओनर है, वो पैसे राइडर ब्लॉक करके इनका चैनल आप देख सकते हैं। ये जो इंजन ऑयल इस गाड़ी में डलवाते हैं ना, वो काफ़ी बढ़िया डलवाते हैं। जैसे कि फुली सिंथेटिक डलवाते हैं, मोटुल का 20W करके ऐसे है, ठीक है। और बगल में ही भाई की नई बाइक है, एक भाई है मेरे, उन्हीं की बाइक है ये एकदम मेंटेन रखे हैं। लेकिन हाँ, ये 2500 ही किलोमीटर चली है। लेकिन मोबिल नॉर्मल डलवाते हैं, जो कंपनी क्लेम करता है कि भाई ये और डलवाइए, तो नॉर्मल डलवाते हैं। और इसमें एकदम परफॉर्मेंस मोबिल जाता है, इसमें पिकअप ऑयल भी जाता है। तो देखेंगे कि दोनों रेडर में क्या डिफरेंस आता है, कौन सी बाइक फास्ट है, कौन सी बाइक तेज़ भाग रही है। और देखिए, मोबिल का एक फ़ायदा और आपको दिखा सकते हैं कि देखिए, इसका जो रेव, इंजन रेव हो रहा है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। हम चला रहे हैं अभी परफॉर्मेंस रेडर, जो कि परफॉर्मेंस वाली है। गौरव चला रहे हैं नॉर्मल वाली रेडर, जो कि कंपनी जो मोबिल क्लेम करता है वही वो डलवाते हैं। और इसमें क्या है, परफॉर्मेंस वाली मोबिल डाली जाती है। तो आ गई है भाई पावर मोड में, वो डाल लीजिए पावर मोड। देखिए, रेव भी अच्छे से हो रही है, ये ज़्यादा हो रही है, आपको लग रहा है ना, इसको चलाइएगा। देखिए भैया, आ गए स्टार्टिंग से ही आगे, गौरव है देखिए पीछे, और गैप भी बन रहा है। देखिए आप, स्लिप स्ट्रीम अगला कर रहा है, ऐसा बात नहीं कि नहीं कर रहा है, लेकिन गैप देखिए आप, गैप देख सकते हैं, देखिए गैप स्लिप स्ट्रीम के बावजूद, देखिए वो लगातार स्लिप स्ट्रीम ले रहे हैं। लेकिन डिफरेंस देख लीजिए आप, ये अपने दम पे चल रही है और स्लिप स्ट्रीम करके भी आगे नहीं आ पा रहे हैं। अगर वो स्लिप स्ट्रीम ना करें तो पीछे हो जाएंगे एकदम, देखिए वो आ ही नहीं पा रहे हैं। और ये इसका परफॉर्म चेक करिए आप, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं इसका। देखिए आप, वो लगातार स्लिप स्ट्रीम में है, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये परफॉर्मेंस वाली है। तो रोक देते हैं वीडियो को। और जैसे ही स्लिप स्ट्रीम हटाएंगे गैप बन जाएगा। अब हम लोग स्लिप स्ट्रीम नहीं करेंगे, ये देखो इंजन ऑयल का क्या फर्क आ रहा है। हालांकि राइडर्स वेट का भी था, अब देखते हैं क्या राइडर्स वेट का भी अंतर पड़ रहा था कि इंजन ऑयल का फर्क पड़ता है, ये भी अब पता चल रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट अटेम्प्ट करते हैं, और हम चला रहे हैं नॉन परफॉर्मेंस वाली रेडर। भैया इनिशियल तो साथ में ही चल रही है अभी तक, देखिए बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा वेट थोड़ा कम है ना, इसलिए डिफरेंस नहीं आ रहा है। देखिए थोड़ा वेट का ही हमको फायदा मिल रहा है, इसलिए हम थोड़ा आगे चल रहे हैं, गौरव भैया चल रहे हैं, लेकिन वो परफॉर्म देख कर रही है वाली रेडर। देखिए अगल बगल ही चल रहे हैं दोनों लोग, वो देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी है। अगर हम थोड़ा भी स्लिप स्ट्रीम लेंगे तुरंत आगे निकल जाएंगे, लेकिन ले नहीं रहे हैं हालांकि।
तो आप लोग को भाई रिजल्ट दिखा होगा कि एक परफॉर्मेंस रेडर जो उसमें बढ़िया मोबाइल और बढ़िया तरीके से रखा जाता है, पिकअप ऑयल डलवाया जाता है, एकदम मेंटेन रखा जाता है जिस रेडर को, उस रेडर से और एक नॉर्मल जो कंपनी क्लेम करती है उस रेडर से क्या डिफरेंस आया है। हालांकि मेरा वेट हाँ हाँ फिर भी वो बाइक आगे थी, सिर्फ मेरे वेट की वजह से ही हम थोड़ा सा सटे रहे। और लोग ये जो बोलते रहते हैं ना कि यार नई गाड़ी है ज़्यादा भागेगी अभी मत, हाँ नहीं दोस्तों, जितना बाइक को आप उसकी इंजन परफॉर्मेंस निकालेंगे जितना ज़्यादा निकाल। एक मेरे दोस्त की एफजेड थी साहिब वाली, जो बाकी एफजेड 118 120 बाइक से मरती है, जो हम लोग भगाते थे उसको हमेशा भगाते थे, वो 124 तक जाती थी, बहुत तेज जाती थी। तो यही होता है भाई कि आप लोगों का कहना है कि आप गाड़ी भगा रहे हो तो गाड़ी ख़राब हो रहा है, उससे नहीं होता है भाई। इंजन बना हुआ है किस चीज़ के लिए, भागने के लिए ही। वो टॉप एंड दे रही है 125 तक भगाने के लिए, तो उसको कोई दिक्कत थोड़ी है। आप लोग जो कमेंट करते हो कि ऐसा है वैसा है, तो आप लोग को रिजल्ट दिखा होगा कि भाई मेरा वेट था, इस वजह से हम सेकंड अटैम्प में गौरव बैक एकदम बगल में सटे हुए थे। और वहीं गौरव जब हम रेडर चला रहे थे रेड वाली, तो गौरव नहीं आ पा रहे थे, स्लिप स्ट्रीम कर रहे थे तो भी नहीं आ पा रहे थे। तो यही डिफरेंस था, और यही आप लोग को मैसेज देना था कि भाई देखिए हमेशा अपने बाइक्स में अच्छे कंपनी का अच्छे क्वालिटी का मोबिल डलवाइए, ताकि आपकी इंजन का लाइफ सेफ और इंजन अच्छा से ही रहे। तो यही मेरा मैसेज था आप लोग को देने का कि दोनों रेडर के बीच में डिफरेंस करने का। हम लोग बहुत दिन से चाह रहे थे कि हम गौरव भैया एक ही कंपनी की सेम बाइक चलाएँ और हम लोग आपस में देखें कि क्या राइडर का डिफरेंस होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर परफॉर्मेंस रेडर के साथ किसी का भी आप रेस देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, वीडियो जरूर लाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, बी सेफ एंड राइड सेफ।